नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ जहां कई स्थानों पर लगातार विरोध किया जा रहा है, वहीं लगातार इस कानून के समर्थन में भी विभिन्न संगठन सड़क पर उतरकर सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। रेवाड़ी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद और भारत विकास परिषद संगठन से जुड़े कार्यकर्ता CAA के समर्थन में जन जागरण अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत इन संगठन से जुड़े कार्यकर्ता लोगों को साथ लेकर तिरंगा यात्रा, पैदल यात्रा, मशाल जुलूस, हस्ताक्षर अभियान और घर घर जाकर पर्चे बांटकर लोगों को जागरूक करेंगे कि ये कानून देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि इस्लामिक देश से शोषित दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ भारत विकास परिषद और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। हम सभी जो राष्ट्र के हित में काम करने वाले सामाजिक संगठन हैं, ऐसे हम सब लगभग 10-12 संगठनों ने मिलकर के ये निर्णय किया कि जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में कुछ लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को भी मिसगाइड कर रहे हैं, वो गलत है। इस एक्ट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ के किसी भी धर्म के व्यक्ति को अहित करती हो। ये जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। इसलिए इसका जन जागरण हो, लोगों को ये बात ध्यान में आए कि वास्तव में सरकार ने जो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर 2019 को ये एक्ट के रूप में आया है तो वो सही एक्ट है, वो इस देश के हित में एक्ट है, तो इसलिए वो लोगों को ध्यान में आए। इसलिए जन जागरूकता कार्यक्रम हम करें, लोगों को अवेयर करें। इसलिए हम 10-12 संगठन मिल करके आगामी लगभग 8-10 दिनों तक रोज़ इसके समर्थन में यात्राएं, उसमें मोटरसाइकिल रैली, मशाल जुलूस, संगोष्ठियां, इस तरह से करके लोगों में जन जागरण करने का प्रयास करें।